माह दिसंबर में 1 दिसंबर 2018 से लेकर के 31 दिसंबर 2018 तक बाघ सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। इस सप्ताह के अंतर्गत हम लोग विभिन्न स्थलों पर संवेदनशील क्षेत्रों में ये गश्त भी करवा रहे हैं, बाघ के संरक्षण के संबंध में गोष्ठियां करके आम नागरिकों को, ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं कि बाघ से कैसे बचें और उस बाघ से लाभ और हानि के बारे में बता रहे हैं। हमारा जो हरदोई डिवीजन है उसकी बाउंड्री लखीमपुर तथा सीतापुर से लगती है, तो लखीमपुर में चूंकि बाघ की समस्या आ जाती है बीच बीच में, कभी कभी बाघ लखीमपुर के बॉर्डर तक चले जाते हैं, तो जो हमारी बॉर्डर की पिहानी या कछौना रेंज लगी हुई है उसमें हमने अलर्ट जारी कर रखा है और डेली गश्त करा रहे हैं। यहाँ ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं देखने को मिली है कि बाघ इस क्षेत्र में आया है, फिर भी अलर्ट जारी है, लगातार गश्त चल रही है, ये गश्त 31 दिसंबर तक चलेगी। प्रदेश की भांति हरदोई जिले में भी बाघ सुरक्षा नियंत्रण माह की शुरुआत 1 दिसंबर से हो चुकी है जो कि 31 दिसंबर तक चलेगा। इसी क्रम में यहां पर शासन स्तर से एक अलर्ट भी जारी हो गया है जिसमें 4 प्रमुख वन रेंजों को चिन्हित किया गया है, जिसमें की कणियावा, संडीला, पिहानी व कछौना है। दरअसल इन वन रेंजों के गोमती से सटे होने के कारण यहां पर बाघों के आवागमन की संभावना इस महीने ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते वन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इसी के साथ वन विभाग की टीमें ग्रामीण इलाकों के लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही हैं, जिसमें उन्हें बाघों के बारे में बताकर उनसे बचने के तौर तरीकों से अवगत कराया जा रहा है। हरदोई से ईटीवी के लिए आकाश शुक्ला।